एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। ये अपना पुराना एम्पलीफायर अपने एक दोस्त के पास था, तो अभी क्या करने वाला हूँ मैं, अपनी बाहर बीट खड़ी है और ये अपनी स्कॉर्पियो, तो इसके अंदर जो एम्पलीफायर लगा हुआ है सर्विन वेगा का, वो हटा के इस बीट में लगाएंगे और इसको दोबारा से फिट करूँगा मैं अपनी स्कॉर्पियो में, क्योंकि अच्छा पावरफुल है और उसमें अपने 50 वाट के ओवर लगे हुए हैं, उनको चलाएंगे। तो सारा काम आज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ म्यूजिक अपग्रेड। इसमें फ्रेंड्स लगा हुआ है ये वाला, आपने देखा भी होगा, अभी स्पीडी भाई ने लगाया था, ये थोड़ा अंधेरा है यहाँ पर, रोशनी कर लेते हैं। ये लगा हुआ जी सर्विन वेगा का, और ये अपना लगा है डायबोन्स का कन्वर्टर। अभी इसको निकालते हैं और जल्दी से अपने वाले को फिट करते हैं और ये लगाएंगे फिर बीट में। इसमें भी स्पीडी ब्रो ने ना सेटिंग्स के मामले में थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी है। पता क्या हुआ, जो फ्रंट वाले स्पीकर हैं उनमें देखो रियर की आवाज़ आ रही है, और रियर में फ्रंट की आवाज आएगी, देखना भी। ये देखिए रियर में फ्रंट की आ रही, और एक स्पीकर तो बल्कि जोड़ा ही नहीं है। ये देखो एक स्पीकर इस साइड का ना जोड़ा ही नहीं है, और ये रियर का इधर कर रहे थे तो बज रहा है, उधर कर रहे थे, यानी कि फ्रंट वालों में रियर हो गया और एक तार ही लगाना भूल गए। लेकिन ये आप खुद से अभी सारा कुछ सेट करेंगे। ओके, ये देखो दोस्तों ये तार हटा हुआ है, इसलिए एक स्पीकर बंद था। चलो कोई नहीं, आप सारे कनेक्शन अभी ओके करते हैं, इसको खोल लेते हैं पहले। एम्पलीफायर तो निकल गया सर, देखो दोस्तों छोटा सा था ये भी, लेकिन ये देखो ये करंट की वायर है ना, इसको पहले ज़रूर आप कवर कर दें, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अभी अपने वाला यहाँ लगाएंगे, अपने वाला ये पड़ा, ये देखो इसका साइज़ देखो और इसका साइज़ देखो। वैसे ये भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लेकिन ये बहुत ही को ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, पावर का फ़र्क है। लेकिन ये 60 वाट RMS देता है और ये 300 वाट RMS पर चैनल देता है। चलो अब ये लगाते हैं। लगाने से पहले ये चीज़ का ध्यान जरूर रखें, आपकी जो भी है गेंस वगैरह जो भी हैं उनको ना जीरो पर रखें आप। जैसे ये है, मैं अभी इसको जीरो कर देता हूँ, फिर उधर फिट करेंगे। आपको एक बार सेटिंग भी दिखा दूँगा कैसे होती है इसकी। आज फिर अपने श्रवण भाई के पास हैं, जो पिछली वीडियो देखी थी, तो बीट प्रोजेक्ट का एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे एंटीना चेंज करवाया है, इसकी फॉग लैंप चेंज हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ढंग से। और अभी इसमें आपने शायद इससे पहले सुन चुके होंगे कि इसकी आवाज़ कैसी थी, अभी इसके एम्पलीफायर की फिटिंग भी कर देंगे साथ में ही, तो एम्पलीफायर लगने के बाद कैसे होगा, जो मैं अपनी गाड़ी से निकाला था स्कॉर्पियो से वो इसमें लग जाए। ये देखो फ्रेंड्स, जो अपना एम्पलीफायर का भी काम करेंगे ना, तो अपना गुरपाल भाई संधू टेक्निकल, वही, वैसे मैंने वायरिंग तो कर दी थी, आपने देखा जैसे मैंने रात को स्कॉर्पियो में भी कर दी थी और इसमें भी, और लेकिन क्या है कि स्पीकर चल नहीं पाए थे। इसमें पहले 2 चैनल एम्प लगा हुआ था, और ये देखो कन्वर्टर है, देसी कन्वर्टर है ये, पता नहीं कैसा आउटपुट देगा, देखते हैं। तो अभी फिर उससे स्पीकर से आवाज़ आई नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया, मैं आया हूँ। एम्पलीफायर चलाया था मैंने तो चला नहीं, मतलब कुछ ने कुछ गड़बड़ दिया, तो कोई वायरिंग की आरसी केबल भी लगा दी, पूरी वायरिंग कर रखी है मैंने, तो अभी देखना है कि कैसे चलेगा मामला। हाँ ठीक है। ये जी अपना एम्पलीफायर हो गया सेट, सीट के नीचे सर्विन वेगा का जो अपनी स्कॉर्पियो में लगा हुआ था पहले, वो निकाल के इसमें सेट कर दिया है। और अब ऑडियो आउटपुट सुनवाता हूँ आपको, थोड़ा सा पंजाबी सॉन्ग्स पे और NCS भी चलाएंगे। आउटपुट बताना आप लोग कमेंट करके कैसा है, एक ड्राइविंग प्लेजर अच्छा हो जाता ना, म्यूजिक अच्छा हो तो गाड़ी में, इसलिए मैंने ये चेंज कर दिया। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough.